महोबा में रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें शहर का माहौल राममय दिखाई दिया। काजे बाजे के साथ धूमधाम से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह से ही मंदिरों में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हुए झांकियां निकाली गई। डीजे में भक्त नाचते गाते और हाथ में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगाए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया। चित्रकूट में रामनवमी के अवसर पर शहर के पुरानी बाजार में निकाली गई श्री राम जी की शोभा यात्रा, नगर में भ्रमण कराया गया। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर राम भक्तों द्वारा शहर के पुरानी बाजार में शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा जो पुरानी बाजार से होते हुए शंकर बाजार, ट्रैफिक चौराहा, LIC तिराहा, पुरानी कोतवाली सहित पूरे नगर में श्री राम की शोभा यात्रा भ्रमण कराया गया, जिसे चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता, बांदा कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन पंकज अग्रवाल सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता और नगर के हजारों लोग मौजूद रहे। और फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो इज 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस के मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में अब दोबारा आया हूँ तो इज 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका मैंने। हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज़ अब बेटर है।